हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के यूनिट 5 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट 6 क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस का अगर आपको PDF चाहिए तो आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम लिंक पे आपको जुड़ना होगा और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट करना होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द डबल एक्टिंग स्टीम इंजन विद सूटेबल स्केच। मैं आपको बताऊंगा आपको PDF किस तरह से मिलेगा। पहले आप लोग इन चीज़ों को देख लीजिए, इसमें कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है। वो है डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। तो डबल एक्टिंग स्टीम इंजन क्या है, ये डिस्क्राइब किया गया है इसे। ये उसका बेसिक सा डायग्राम है जो कि आपको इंटरफेस पर दिख रहा होगा, नेमिंग के साथ आपको दिख रहा होगा। एग्जामिनेशन में भी आपको नेम के साथ सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होंगी। ओके, उसके बाद इसके वर्किंग के बारे में अगर हम बात करें तो इसका वर्किंग भी आपको इंटरफेस पर दिख रहा होगा। ये वर्किंग है। और उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द स्पार्क एंड द कंप्रेशन इग्निशन इंजन, यानी SI इंजन और CI इंजन, IC इंजन। तो इसे हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, डिफरेंट बताना है इसमें अंतर क्या है। तो ये आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द कार्नोट साइकिल विद PV and TS डायग्राम। PV and TS डायग्राम को हमें बताना है, कार्नोट इस साइकिल को एक्सप्लेन करना है। तो आप देख सकते हैं ये इसका स्टेटमेंट है और ये आपका डायग्राम हो गया। ओके, तो ये इसका बेसिक सा डायग्राम है और प्रोसेस 1-2 जो आपको ग्राफ में दिख रहा होगा, 1-2-3-4 आपको लिखा गया है। तो प्रोसेस 1-2 क्या है, 2-3 क्या है, 3-4 क्या है और 4-1 क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। इफिशियंसी किस तरह से हमें फाइंड करना होगा, इफिशियंसी को ड्राइव किया गया है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ 4-स्ट्रोक डीजल इंजन विद द सूटेबल स्केच। तो 4-स्ट्रोक डीजल इंजन आपका ये हो गया इसका स्टेटमेंट और ये बेसिक सा डायग्राम है जो कि सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक को डिस्क्राइब किया गया है। और सक्शन स्ट्रोक क्या है, कंप्रेशन स्ट्रोक क्या है, एक्सपांशन स्ट्रोक क्या है और साथ ही साथ एग्जॉस्ट स्ट्रोक क्या है, इसको भी डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपैरिजन बिटवीन द 2S एंड द 4S इंजन। तो 2S एंड 4S इंजन को डिफरेंशिएट किया गया है यहाँ पे। एंड 6 नंबर क्वेश्चन आपका ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में इस बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि प्रीवियस एग्जाम की अगर हम बात करें तो जितने भी आपके सीनियर्स हैं उनके एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आपके एग्जामिनेशन में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल को भी मिस नहीं करना, ये न्यूमेरिकल आप इसे कर लीजिएगा। सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, फॉर्मूला पुट करके आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द एफिशिएंसी ऑफ ऑटोसाइकिल की एफिशिएंसी को हमें क्या करना है, ड्राइव करना है। तो ये इसका बेसिक सा फॉर्मूला है, बेसिक सा डायग्राम है जिसके थ्रू आप एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं, जो कि एफिशिएंसी आ जाएगा 1-1/RC^γ-1। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द 4-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन वर्क एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ PV डायग्राम। PV डायग्राम के हेल्प से हमें क्या करना है, सीज से एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका डायग्राम हो गया उसे और यहाँ से लाइन 1-2 क्या है, किस तरह से क्या है, यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया। ओके, तो फ्रेंड अगर आपको PDF चाहिए तो इस PDF के लिए आपको कुछ पे करना होगा, जो कि आपका मिनिमम चार्ज जिस पे 10 रुपीज़ है पर PDF। आपको जिस भी सब्जेक्ट का, जिस भी चैप्टर का PDF चाहिए तो आप बेधड़क कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, मैं लिंक देने की कोशिश करूंगा, आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं। और से इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।